गया जिले के परैया थाना पुलिस द्वारा गया जिले की करीमगंज निवासी गुलाम हैदर की बेटी शहाब की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद पुलिस ने मोहम्मद शहाब के शव का अंतिम दाह संस्कार कर दिया था। इस घटना से परिजनों और मुस्लिम समाज में पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी गुस्सा है। अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील विषय पर लापरवाही को लेकर इंसाफ मंच द्वारा कैंडल मार्च रविवार को निकालने की घोषणा की गई व दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मामले की जानकारी होते ही आनंद फानंद में सदर एसडीओ श्रीवास्तव, एएसपी टॉन पीएन साहू, एसडीपीओ टिकारी चंचल मृतक मोहम्मद शहाब के परिजनों से मिलने पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मृतक शहाब के पिता मोहम्मद हैदर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसडीपीओ द्वारा भरोसा दिलाया गया है कि दोषी पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन में विधि व्यवस्था को देखते हुए कैंडल मार्च सिर्फ मोहल्ले तक निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सदर एसडीओ टिकारी एसडीपीओ के नेतृत्व में भरोसा दिलाया गया कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। इस मौके पर टिकारी एसडीपीओ चंचल कुमार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ 48 घंटे के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉडी मिली क्या? नहीं, मेरे बेटे की बॉडी नहीं मिली अभी तक। हम यही प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करें कि मेरे बेटे की बॉडी के बारे में बताया जाए। आप थाना प्रभारी परैया को जो है ना, आप एक्शन लीजिए। इसी सिलसिले में ये मतलब जो है, लोग आए हैं हमारे पास, जो भी अफसर हैं यहाँ है मेरे घर पे, और इन्होंने हमको यकीन दिलाया है कि कल से परसों तक जो है इसके बारे में पूरी जो है मतलब जो है हम इसका जानकारी आपको देंगे कि क्या हमने किया, क्या कार्रवाई किया। देखिए, काम के हो जाने के बाद ही न मुतमईन हो। हम तो अपना बेटा खो चुके हैं, जबकि सब कुछ जो है, हम सर से यह उम्मीद करते हैं जो जिस तरह का इन लोगों ने हमें यकीन दिलाया है, हम इन पर पूरा भरोसा कर रहे हैं कि ये हमारे अपने कहे हुए पे उम्मीद है कि ये पूरे उतरे। हुजूर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके जो लगते जिगर 27 तारीख को नदारत ये लापता हुए जी, 8 तारीख को आपको जानकारी मिली? जी हाँ, 8 तारीख को जानकारी मिली। आप 4 दिन पहले एसएसपी कोठी गए जी, जी। आपकी किसने सुनी बात? नहीं, हमने किस अधिकारी ने आपकी बात सुनी? हमने कोई भी नहीं था। एसपी साहब जो है, एसपी साहब के रेसिडेंस पे गए। तो आप कैसे मुतमईन हो रहे हैं कि आपके लगते जिगर की बॉडी अब मिल जाएगी? जिस चौकीदार प्राइवेट है, वो चौकीदार प्राइवेट है, वो अपने ससुर के जगह पे नौकरी कर रहा है और उसने किसी और मांझी को बॉडी दे दी। आप वो मतलब जो वहाँ का इंचार्ज है, ये उसकी गलती है और उसके ऊपर इन लोगों ने कहा है, ये कह रहे हैं कि हम पूरा जो है ना उस पर एक्शन लेंगे। तो ये मान लो कि आप लोगों ने कैंडल मार्च निकालने की जब बात कही, तब प्रशासन कैंडल मार्च निकालने की बात कही थी हमने, और लोगों ने भी कहा कि सब लोग आ गए हैं, हमें थोड़े दूर के लिए कैंडल मार्च निकालने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं क्या गड़बड़ी नज़र आ रही है, ये मना कर रहे हैं कि हमने जो कहा है, आपको यकीन दिलाया है, आप उसकी बात को यकीन करें और आपको 1 से 2 रोज में हम इसका रिजल्ट आपको ठीक है। जो भी जिन अधिकारियों के द्वारा या जिन पता या जिन भी पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई होगी, उनको चिन्हित कर उन पे जो है सो कार्रवाई। वहीं पुलिस द्वारा विधि व्यवस्था की बात को मानते हुए सैकड़ों लोगों ने इंसाफ की मांग उठाते हुए पीड़ित के घर पुरानी करीमगंज से न्यू करीमगंज तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व माकपा माले नगर प्रभारी और इंसाफ मंच गया प्रभारी तारिक अनवर, आयशा नेता मोहम्मद शहजहां, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष जामिन हसन कर रहे थे। वहीं पुलिस की कार्यशैली के विरोध में करीमगंज में कई युवा ने इंसाफ की मांग की और प्रशासन के विरोध में भी नारे लगाए। हालांकि मौके पर मौजूद सदर एसडीओ सहित एएसपी ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मामले में इंसाफ मंच के तारिक अनवर और जामीन हसन ने कहा कि शहाबुद्दीन की दुर्घटना मामले में गया पुलिस का बेहद लापरवाह और संवेदनहीन चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एसआईटी गठन कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई करे, साथ ही लवारिस शवों को धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही लवारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन कमेटी गठन कर सभी धर्म की प्रतिनिधि को उसमें शामिल। आप सब लोग जान रहे हैं कि गया में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पुलिस की जो अव्वल दर्जे की लापरवाही है वो सामने आई है।
मुस्लिम युवक को जला दिया गया यहाँ पे पुलिस के द्वारा। हम लोग को जानकारी मिली कि 27 तारीख को साहबुद्दीन जो है वो परैया कुरारू जा रहे थे, परैया में उनका एक्सीडेंट हुआ स्कूटी से, पुलिस ने उसको रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा और उनका मोबाइल और स्कूटी वहीं पर था, मगर पुलिस ने उसकी पहचान करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी गलती देखी कि उसका अंतिम संस्कार किया गया, एफआईआर में लिखा हुआ है कि दाह संस्कार कर दिया गया, मतलब कि उसको जला दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट हो जाता है कि वो किस धर्म का है। और पुलिस का भी गाइडलाइन है कि अगर कोई लावारिस लाश है, अज्ञात शव है, तो उसके धर्म के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। गया शहर में कई कब्रिस्तान हैं जो इस तरह के लाशों को अपने यहाँ दफनाते हैं, ये दूसरी लापरवाही। तीसरी लापरवाही यह हुई कि जब खोजबीन करते हुए परिजन परैया थाना गए 8 तारीख को, तो 8 तारीख को FIR किया गया। आप समझिए कि 27 तारीख की घटना है और FIR हो रहा है 8 अक्टूबर को, 11 दिन बाद। तो पुलिस लगातार 3 गलती की इसमें, और हम लोग ये देख रहे हैं कि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था पे नियम के अनुसार चलना, यहाँ नियम को एकदम उल्लंघन किया गया, नियम का एक अक्षर पालन नहीं किया। अगर पुलिस की ओर से जो लगातार गलती पे गलती हुई है, तो उसी को लेकर के और प्रशासन का एक आदमी आज उनसे मिलने आया, जब ये माहौल बना कि गया के लोग पूरा आक्रोशित हैं और रोड पर उतर के अपनी आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे, तब पुलिस के सारा अमला जो है वो आया है और इंसाफ की बात कर रही है। हम लोग इसमें 3 मांग कर रहे हैं कि एक तो इस पूरे मामले की, चूँकि यहाँ पर पुलिस का पूरा लोकफोल है, पुलिस ने पूरी नाकामी दिख रही साफ साफ, तो हमको गया पुलिस पे बहुत भरोसा नहीं है, DSP स्तर पे भी गड़बड़ी हुई है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें SIT गठित करके पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करे। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि वहाँ जो बॉडी आता है तो इसका मतलब है कि पुलिस कुछ भी तरीके से डिस्पोजल कर देती है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाए और अज्ञात लाश का पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसको जलाया के दफनाया, ये हर धर्म के वहाँ के लोग उसके कमेटी में रहें, ताकि हमको ही पता रहे कि आगे इस तरह के लाश को क्या किया जाता है। और अधिकारियों ने कहा कि हम जो हैं इसमें 1 से 2 दिन के अंदर आपकी सारी बात में हम लोग एग्री हैं, SIT की भी जाँच कही, वो लोग कहें कि DM से चल के आप लोग मिल सकते हैं। शहाबुद्दीन नाम के बच्चे का, जो गुलाम हैदर साहब के बच्चे थे, उनका एक्सीडेंट परैया थाना में बताया गया और उसके बाद FIR दर्ज होती है 8 तारीख को। तो इस पूरे मामला में बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से लूपहोल है, जिसकी जांच की कार्रवाई के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। परसों हम लोग मिले 9 तारीख को इनके परिवार से, इनके परिवार ने पूरा बताया। उसके बाद हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। कैंडल मार्च का जब आयोजन किया, तब पूरी प्रशासन उनके घर पे पहुंच गई कि कैंडल मार्च नहीं निकालिए, हम लोग आपकी मांगे को पूरी करेंगे। लेकिन जब तक इतना दिन 15 दिन हो चुका था, तब तक प्रशासन सोई हुई थी, और कैंडल मार्च जब आया तब वो घर पहुंच करके बोलती हम पूरा करेंगे। तो इसका लिखित हम लोग को कुछ मिला नहीं, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। तो हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, मोहल्ला ही में निकाला, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय था, लोगों ने अपील किया था, इसलिए हम लोगों ने मोहल्ला में निकाल करके एक मैसेज देने का काम किया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ने 1 दिन का समय मांगा है 14 तारीख का, अगर 14 तारीख को कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिला भर में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने